दोस्तों आपने हॉलीवुड की उन फिल्मों को तो जरूर देखा होगा जिसमें वैज्ञानिकों के किसी एक्सपेरिमेंट में हुई गलती की वजह से कोई खतरनाक जानवर पैदा हो जाता है। कभी कोई इंसान द हल्क बन जाता है तो कभी एक्सपेरिमेंट में हुई किसी गलती की वजह से गॉडज़िला जैसा जानवर पैदा हो जाता है। लेकिन असल दुनिया में वैज्ञानिक के एक्सपेरिमेंट में एक ऐसी गलती हुई थी, या फिर कहें वैज्ञानिकों ने एक ऐसी लापरवाही की थी जिसने एक द्वीप को पूरी तरह से तबाह कर दिया। वैज्ञानिकों के द्वारा की गई इस गलती की वजह से एक आइलैंड पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड बन गया। दोस्तों ये घटना 1600 के आसपास की है जब पूरी दुनिया में वैज्ञानिक तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्हीं वैज्ञानिकों में से कुछ वैज्ञानिक ब्राजील के एक आइलैंड को अपना निशाना बनाते हैं। दरअसल इस बार वैज्ञानिकों का दल सांपों के मुंह में पाए जाने वाले जहर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। उनका मानना था कि सांपों के अंदर मौजूद जहर से दवाइयां बनाई जा सकती हैं। ये वजह है कि ब्राजील के समंदर में मौजूद एक आइलैंड पर उन वैज्ञानिकों ने अपना ठिकाना बनाया जहां पर पूरी दुनिया से सबसे खतरनाक सांपों को पकड़ कर लाया जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में जितने भी सबसे खतरनाक और सबसे जहरीले सांप पाए जाते थे सभी की प्रजाति को पकड़कर उस आइलैंड पर ले गए। वो आइलैंड बहुत ही खूबसूरत था, चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ जहां पर एक भी इंसान नहीं रहता था। ये वजह कि वैज्ञानिकों ने अपने इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए उसी आइलैंड को चुना ताकि खतरनाक सांपों से किसी इंसान को कोई खतरा ना हो। वैज्ञानिकों ने लगभग 10 साल तक इस आइलैंड पर तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया और इस दौरान उन वैज्ञानिकों ने सैकड़ों प्रजातियों के जहरीले सांपों को उस आइलैंड पर लेकर आए। आपको जानकर हैरानी होगी एक्सपेरिमेंट के उन 10 सालों के दौरान लगभग 28 वैज्ञानिकों की मौत भी हो गई थी और उन सभी वैज्ञानिकों की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ सांपों का खतरनाक जहर था। जब वैज्ञानिकों का काम पूरा हो गया तब बाकी के बचे वैज्ञानिक तो उस आइलैंड को छोड़कर चले गए लेकिन वे सभी खतरनाक सांप वहीं रह गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 300 सालों के दरमियान वहां बचे हुए सांपों ने अपनी तादाद इतनी बढ़ा ली कि आज उस पूरे के पूरे आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ सांपों का कब्जा है। कहा जाता है कि आज के वक्त में इस आइलैंड पर इतने अधिक सांप हो गए हैं कि उन्हें खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा। दोस्तों अब आपके मन में सवाल भी चल रहा होगा कि आखिरकार उन वैज्ञानिकों को सांपों के जहर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल सांपों के जहर के ऊपर वे सभी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे थे क्योंकि प्राचीन काल से ही चीन के कुछ वैद्य सांपों के जहर से दवाई बनाने का दावा करते हैं और सांपों के जहर से बनी दवाइयों की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों आपने कीमोथेरेपी का नाम तो कभी ना कभी जरूर सुना होगा। दरअसल कीमोथेरेपी उन लोगों के साथ की जाती है जिनको कैंसर की समस्या होती है और कैंसर की बीमारी को पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कीमोथेरेपी के दौरान जिस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है उस दवाई में सांप का जहर मिला होता है, यानी कीमोथेरेपी के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली दवाई में सांप के जहर की मात्रा होती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांप का जहर कितना काम का होता है। यही वजह है कि आज के वक्त में चीन पूरी दुनिया से जहरीले सांपों को इंपोर्ट करने वाला इकलौता देश है। चीन में बहुत सारी ऐसी दवा की कंपनियां हैं जहां पर जहरीले सांपों को ऊंचे ऊंचे दामों में खरीदा जाता है और उस वक्त पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी बात के ऊपर शोध करना चाहते थे कि आखिर सांपों के जहर में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ब्राजील के पास मौजूद एक द्वीप आज मौत का अड्डा बन गया। जैसे किसी देश में एक राष्ट्रपति होता है और एक प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी तरह जब आप ब्राजील के पास मौजूद उस आइलैंड पर जाते हैं तो वहां का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जनता, वकील और पुलिस सब कुछ वो सांपों में ही मिलेगा। दोस्तों जब उन वैज्ञानिकों ने द्वीप को खतरनाक बनाकर छोड़ दिया तब उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस को बनाया गया। दरअसल वो आइलैंड समंदर के बीचों बीच था। वहां पर एक लाइट हाउस को इसलिए बनाया गया था कि समंदर में जाने वाले पानी के जहाजों को दिशा बताई जा सके। उस लाइट हाउस की देखरेख और मैनेजमेंट करने के लिए वहां पर एक कीपर को भी भेजा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कदम कदम पर मौत मिलने के बावजूद भी वो कीपर अपने परिवार को लेकर वहां चला गया। वहां जाना उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसको ड्यूटी निभाना था। ये घटना कोई ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि साल 1900 लेकर 1920 की है। वो कीपर अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए उस आइलैंड पर चला गया और वो भी अपने परिवार को लेकर।
उसने खुद को और अपने परिवार को सांपों के जहर से बचाते बचाते लगभग 20 साल का वक्त निकाल दिया। लेकिन एक दिन उसे शख्स के द्वारा की गई एक गलती उसके पूरे परिवार को खत्म कर देती है। दरअसल हुआ ये कि वो हर रोज लाइट हाउस की खिड़की से लेकर दरवाजे हर चीज को अच्छी तरह से बंद करके सोता था, लेकिन एक रात गलती से लाइट हाउस का एक खिड़की खुला रह जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर लाखों की संख्या में सांप हो वहां खिड़की खुला होने का मतलब क्या हो सकता है। कहा जाता है कि उस रात को खिड़की के रास्ते बड़ी संख्या में सांप उस लाइट हाउस के अंदर घुस गए और उसी रात उस कीपर का पूरा परिवार खत्म हो गया। दरअसल वो आइलैंड समंदर के बिल्कुल बीचों बीच में था और इमरजेंसी के वक्त वहां से ब्राजील देश आने में कई घंटे का वक्त लग जाता था। ये वजह है कि सुबह होने से पहले ही उस कीपर का पूरा परिवार खत्म हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी, वो आदमी और उसका परिवार आखिरी ऐसा इंसान था जो उस आइलैंड पर रहने के लिए गया था। उसके बाद ब्राजील की सरकार से परमिशन लेकर ही 24 की संख्या में वैज्ञानिक सिर्फ कुछ घंटे बिताने के लिए वहां पर गए थे। हाल ही में एक नई घटना उस आइलैंड से जुड़ी हुई दुनिया के सामने आई। हुआ ये कि समंदर में मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा गलती से जब इस आइलैंड के पास चला गया, तब उसे आइलैंड के किनारे पर कुछ केले के पेड़ दिखाई दिए। मछुआरे ने सोचा क्यों ना कुछ केलों को काट कर अपने साथ लेते जाएं। वो मछुआरा बेचारा केले के लालच में उस आइलैंड पर निकल गया। कहा जाता है जैसे वो मछुआरा केला काटने के लिए उसे पकड़ता है, ठीक उसी वक्त उसके हाथ पर एक जहरीले सांप ने हमला कर दिया। मछुआरे के साथियों ने उसे तुरंत वहां से लेकर भागने की कोशिश की, तो लेकिन किनारे पर आने से पहले ही मछुआरा ने सांप के जहर की वजह से दम तोड़ दिया। दोस्तों जब आप ब्राजील में जाएंगे तो वहां पर आपको इस खतरनाक आइलैंड से जुड़ी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। जैसे आपके दादी नानी ढेर सारी कहानियां सुनाते थे, ठीक वैसे ही वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग कहानी सुनाते हैं कि बहुत साल पहले कुछ समुद्री लुटेरों ने एक बहुत बड़ा खजाना लूट लिया था। जब लुटेरों के हाथ इतना बड़ा खजाना लगा, तब उनके लिए भी उस खजाने की सुरक्षा करना एक मुश्किल काम बन गया था, क्योंकि उनके खजाने के ऊपर बाकी लुटेरों की नजर पड़ गई। यही वजह है कि समुद्री लुटेरों ने अपने खजाने को ब्राजील के समंदर में मौजूद उस आइलैंड के अंदर छुपा कर रख दिया। अपने खजाने को वो छुपाने के बाद उन लुटेरों ने हजारों की संख्या में जहरीले सांपों को लाकर उस आइलैंड के ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके खजाने पर कोई सेंध न लगा पाए, और उन्हीं के द्वारा छोड़े गए सांपों की वजह से जब इस आइलैंड पर इतने ज्यादा सांप बढ़ गए। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो ब्राजील के बुजुर्ग ही बता सकते हैं। लेकिन हाल ही में हुए एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील के समंदर में मौजूद इस छोटे से आइलैंड पर सांपों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वहां के सांपों को खाने के लिए कुछ भोजन भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उस आइलैंड की जमीन पर जितने भी दूसरे छोटे और बड़े जानवर रहते थे उनको सांपों ने अपना भोजन बना लिया। अब इस आइलैंड की जमीन पर कोई भी दूसरा जानवर बचा ही नहीं है। ये वजह कि अब आइलैंड पर मौजूद सांपों की कुछ प्रजाति दूसरे प्रजातियों के सांपों को अपना भोजन बना रही है, और बाकी के दूसरे सांप जो ऐसा नहीं कर सकते वो पेड़ों पर बैठकर पक्षियों के आने का इंतजार करते हैं। पक्षियों में भी उस आइलैंड पर मौजूद सांपों के प्रति इतना खौफ भर गया है कि पक्षी भी अब इस आइलैंड के करीब नहीं जाना चाहते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पृथ्वी पर इंसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, संसाधन कम होते जा रहे हैं और इंसान बढ़ते जा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट तो बताती है कि इस आइलैंड पर जितनी क्षमता थी सांप उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गए। अगर हालात काबू में नहीं किए गए तो आने वाले कुछ दशक में वहां पर सारे सांप हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और उन्हें खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहां मौजूद दूसरी प्रजाति का सांप होगा, और दूसरा सबसे बड़ा कारण होगा भुखमरी। जी हाँ, वही भुखमरी जिसका सामना पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों का एक बहुत बड़ा समूह कर रहा है। शायद आपको मालूम नहीं हो, लेकिन हर रोज सिर्फ भूख की वजह से पूरी दुनिया में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। अगर आप इस बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दर्द एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती है।